नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। तो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ महारानी दिद्दक के बारे में। कल्हण की राज तरंगणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन करते हुए तीन स्वतंत्र महिला शासिकाओं का जिक्र किया गया है। प्रथम गुणांद वंश की रानी यशोमती, दूसरी उत्पल वंश की रानी सुगंधा और तीसरी यस्कर वंश में विवाहित लोहार वंश की रानी दिद्दा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रानी दिद्दा थी। कश्मीरी पंडित आज भी अपने बड़ी बहन को दिद्दा कहते हैं। उसने सत्ता मोह में अपने एक पुत्र तथा तीन पौत्रों की हत्या करवा दी तथा 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक स्वतंत्र शासिका के रूप में राज किया। तुंग नामक एक खस जातीय गणीय से उसका प्रेम संबंध भी था, जो शीघ्र ही उसका विश्वपात्र बन गया। नरवा नामक एक निष्ठावान मंत्री ने रानी दिद्दा के राजरोहण में समर्थन किया था। इस प्रकार प्रायः 50 वर्षों तक कश्मीर की राजनीति में रानी दिद्दा छाई रही। षड्यंत्री तथा कुटिल होते हुए भी वह सृजनात्मक बुद्धि तथा राजनीति सूझबूझ की धनी थी। फल्गुन जैसे मंत्रियों के विद्रोह को उसने सफलतापूर्वक दबाया। उसने दिद्दापुर तथा कंगनपुरा नामक नगर बसाए तथा अपने पौत्र नंदीगुप्त की स्मृति में दिद्दा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। दिद्दा ने अपने जीते जी अपने मातृपक्ष के भतीजे संग्राम राज को अपना युवराज नियुक्त कर दिया तथा बाद में संग्राम राज उसका उत्तराधिकारी के रूप में शासक बना।